नमस्कार, आज हम पांचवी वर्ग के छात्र व छात्राएं आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंधेर नगरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दृश्य। स्थान: शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। बच्चा नारायण दास, चेला गठन से तो बहुत सुंदर दिखता है पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो प्रभु को भोग लेते। और क्या गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है कुंजड़ीन से। क्यों भाजी, क्या भाव? बाबाजी टके से। वाह, बड़ा आनंद है सब भाजी टके से। हलवाई के पास जाकर। क्यों मिठाई, क्या भाव? टके से। वाह वाह, बड़ा आनंद है यहाँ सभी चीजें टके से। इस नगरी का नाम क्या है बच्चा? अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी, टके से खाजा। तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई मोल दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। बच्चा गोवर्धन दास, भिक्षा में क्या लाया? मिट्टी में कुछ है ऐसा मालूम पड़ता है। गुरु जी महाराज, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, 3.5 सेर मिठाई मोल दी है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा है कि यहाँ सब चीजें टके से मिलती हैं, तो मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। बच्चा ये कौन सी नगरी है और इसके राजा का क्या नाम है जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा मिलता है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी, टके से खाजा। तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा बिकता है। गुरु जी महाराज, मैं तो यही रहूंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मैं तो जा रहा हूँ पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी भी संकट पड़े तो याद करना। यह करते हुए महंत चले जाते हैं। दूसरा दृश्य। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। दुहाई कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। दुहाई हो, दुहाई महाराज, दुहाई। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी दब गई। कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़ कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई। अच्छा, कल्लू को छोड़ो और कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूने ऐसा ख्याल बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, बिश्ती ने चूने में ज्यादा पानी डाला जिससे चूना कमजोर रह गया। अच्छा, बिश्ती को पकड़ लाओ। बिश्ती लाया जाता है। क्यों रे बिश्ती, तुमने इतना ज्यादा पानी क्यों डाला कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? महाराज, जान का कोई कसूर नहीं। महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक भी बड़ी बन गई। अच्छा, गडरिये को पकड़ लो। कसाई निकाला जाता है, गडरिया पकड़ लाया जाता है। क्यों रे गडरिया, तूने ऐसी मशक क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। इसको छोड़ो और कोतवाल को पकड़ लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। तूने कोतवाल, तूने अपनी सवारी धूम धाम से क्यों निकाली की गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ भेज दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। दृश्य। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है पर हमारा क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। चल रे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। अरे आफत कहाँ से आ गई भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि
बहुत बीमार हैं। इस बात पर हुक्म हुआ कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा देना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। दुहाई है, इस नगर में तो बड़ा अंधेर है, बचाओ गुरुजी बचाओ। चुप रहो राजा को चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। चुप रहो राजा को हुक्म कभी चल सकता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का ये फल है, बचाओ गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा को बड़े रास्ते लिया, क्या दशा है? जोर कर गुरुजी, ये लोग बकरी दीवार के नीचे दब गई, इसलिए ये लोग मुझे फांसी की सजा दे रहे हैं। कोई चिंता नहीं, हाँ चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम देश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। तब गुरुजी तब तो हम अभी चलेंगे। नहीं, हम बूढ़े हैं, हमें चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों मुच्छित करते हैं। सिपाही हैरान होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। गुरु से, बाबा जी आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? राजा, इस शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हमको हुक्म है, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग, राजा की जीते जी और कौन सा जा सकता है, हमें फांसी दो, जल्दी से जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं। तो इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ धर्म और बुद्धि की नहीं चलती, वह एक ऐसा समाज है जहाँ के लोग अपना ही नाश कर देते हैं। तो आशा है आपको यह नाटक पसंद आया हो। धन्यवाद।